क्या हुआ जब केदारनाथ यात्रा के दौरान एक भक्त की चुड़ैल से महादेव ने बचाई जान। दोस्तों, ये सत्य घटना आज भी उस इंसान के रोंगटे खड़े कर देती है। और आज के समय में बहुत से लोगों का मानना है कि भूत और चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन इस घटना को सुनने के बाद आपका भूतों पर और महादेव के चमत्कार पर पूरा भरोसा हो जाएगा। तो इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप एक सच्चे महादेव भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगरा के रहने वाले संदीप शर्मा केदारनाथ की यात्रा के लिए सोनप्रयाग पहुंच चुके थे। संदीप को सोनप्रयाग से ही केदारनाथ बाबा की यात्रा शुरू करनी थी। सोनप्रयाग से केदारनाथ की दूरी लगभग 23 किलोमीटर की है, इसलिए संदीप ने सुबह जल्दी उठकर केदारनाथ यात्रा पर निकल गया। संदीप की पहली केदारनाथ यात्रा थी, इसलिए उसे कोई अंदाजा नहीं था कि आगे के रास्ते कैसे हैं और कितना टाइम लगेगा पहुंचने में। इसलिए वो कुछ खाने पीने का सामान लेकर यात्रा करता रहा। जहां उसको भूख लगती कुछ खा लेता और झरने में पानी पी लेता। धीरे धीरे रास्ता कठिन होता जा रहा था। संदीप को अंदाजा नहीं था कि आगे के रास्ते इतने कठिन हैं। फिर भी वो महादेव का नाम लेते हुए धीरे धीरे यात्रा करता रहा। संदीप काफी थक चुका था, तो उसने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेते हैं फिर चलेंगे। वहीं पर संदीप की आंख लग जाती है और वो जब उठता है तो शाम हो चुकी होती है। संदीप फिर निकल जाता है, ये सोचते हुए कि उसको किसी भी हाल में आज रात केदारनाथ पहुंचना होगा, क्योंकि उसको सुबह दर्शन करके वापस भी जाना था। संदीप थोड़ा आगे जाता है तो उसको एक शॉर्टकट का पता चलता है। उसको किसी ने बताया कि इस रास्ते से तुम कम समय में केदारनाथ पहुंच जाओगे। संदीप को केदारनाथ जल्दी पहुंचना था, इसलिए वो शॉर्टकट की तरफ से निकल जाता है। लेकिन ये रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला था, क्योंकि ये रास्ता मंदाकिनी नदी के बगल से और जंगलों के बीच से जा रहा था। इस रास्ते पर संदीप को और कोई दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि रात होने के बाद इस रास्ते से कोई नहीं जाता। थोड़ी आगे जाने के बाद रास्ते में एक सफेद साड़ी पहने हुए स्त्री दिखाई देती है। संदीप सोचता है कि शायद ये भी केदारनाथ जा रही है। संदीप ने उनसे पूछा कि क्या आप केदारनाथ जा रही हो। उसने जवाब दिया कि हाँ, मैं वहीं जा रही हूँ, मेरे पीछे पीछे आओ, मुझे वहां का रास्ता पता है। संदीप उनके पीछे पीछे चलने लगा। चलते चलते संदीप ने पूछा कि आप कहाँ से आई हो। उसने जवाब दिया कि पहले वो मेरठ में रहती थी, लेकिन 2013 के बाद से वो यहीं पर रहती है। ये सुनते ही संदीप घबराने लगा, क्योंकि उसे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि वो कौन है। वो समझ गया था कि 2013 की आपदा में इस औरत की मृत्यु हो गई थी और अब ये चुड़ैल बनकर यहीं रहती है। अब संदीप की हालत खराब हो चुकी थी और महादेव से प्रार्थना करने लगा कि महादेव मुझे बचाओ। थोड़ी और आगे जाते ही सामने एक साधु आया, जिसकी बड़ी जटाएं थी और हाथ में एक त्रिशूल था। उन्होंने संदीप से पूछा, कहाँ जा रहे हो। उसने बोला, केदारनाथ। साधु ने बोला कि तुम गलत रास्ते पर आ गए हो और ये रास्ता वहां नहीं जाता, ये तो घने जंगलों की तरफ जा रहा है। संदीप ने जैसे ही बोला कि वो महिला मुझे यहाँ लेकर आई है, तब तक वो महिला गायब हो चुकी थी। उसके बाद उस साधु ने बताया कि आपदा में कई लोगों की मौत हो गई थी, जो अब यहाँ पर भूत और चुड़ैल बनकर घूमते हैं, इसलिए रात को इधर कोई नहीं आता। साधु बाबा संदीप के साथ केदारनाथ तक गए और वहां जाने के बाद अचानक लुप्त हो गए। संदीप समझ गया था कि बाबा केदारनाथ ही मुझे बचाने आए थे। उसके बाद संदीप ने खूब तेज तेज हर हर महादेव का नारा लगाया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हर हर महादेव।